हेलो दोस्तों, आप सबका किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ छेना पायस, और उसके लिए हमने 1.5 लीटर दूध से ये छेना बना लिया है। छेना मैंने पहले से ही बना लिया है, तो ये रहा 1.5 लीटर दूध से हमने बनाया था। ये काऊ मिल्क है और हमने इसको पैकेट के दूध से बनाया है। ये पैकेट वाले दूध से है। अब मैं इसको अच्छे से तोड़ करके मसल लूंगी। इस पाम से इससे आपको इसको मसल मसल के लिए मुलायम करना है। इसको 4 से 5 मिनट तक ऐसे मसलेंगे तो ये सॉफ्ट होता चला जाएगा और ये एक डो का रूप ले लेगा। डो के फॉर्म में आता है, देखिए एकदम सॉफ्ट हो जाएगा इसको इस तरह से मसलने से। हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि इन इन चीजों से ही आपको रगड़ना है। 4 मिनट मसलने के बाद ये इस तरह डो के फॉर्म में आ गया है। अब इसकी बाइंडिंग और अच्छी हो इसके लिए मैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिलाती हूँ। ये 1 चम्मच ही मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डालूंगी और फिर से इसको एक बार मिला दूंगी, जिससे इसका डो अच्छा बन जाए और ये बनाने में टूटेगा भी नहीं और बहुत आराम से बन जाता है। लेकिन छेना आप हमेशा गाय के ही दूध में बनाइए। ये देखिए, ये पैकेट का ही दूध है, गाय वाली है, और उसी से मैं छेना तैयार की हूँ। लेकिन जो मैं इसका रस बनाऊंगी, क्रीम बनाऊंगी, दूध का रबड़ी जिसको बोलते हैं, तो वो मैं फुल फैट वाला दूध बनाऊंगी, जो फुल क्रीम के साथ आता है उसका बनाऊंगी। अच्छा, 1 मिनट। अब इस तरह से छोटे छोटे बॉल मैं बना रही हूँ। पहले मैं इसको छोटे छोटे बॉल काट करके रख लूँगी, फिर इसको गोल गोल करके दिखाती हूँ कैसे बनाना है। और इसके भी एक खास ट्रिक है जिसके कारण खूब अच्छे से गोल बनते हैं। देखिए, ये हाथ के तलहटी के बीच में रख के इसके अंदर और दबा दबा करके ऐसे गोल गोल करना है ऐसे। और देखिए इस तरह से ये बन जाएगा। ये जब तक मैं ये पूरे गोले बना रही हूँ, तब तक मैं इधर गैस के ऊपर मैं ये 1.5 लीटर दूध, फुल फैट वाली दूध है, इसको मैं चढ़ा दे रही हूँ जब तक ये गाढ़ा होगा। और मैं दूसरी तरफ भी एक कढ़ाई, बड़ी कढ़ाई और मोटे तली की रखी हूँ। इस कढ़ाई को मैं गैस पे चढ़ा रही हूँ और इसमें मैं 1 कटोरी ये शुगर ले रही हूँ, और इसी कटोरी से मैं इसमें अब इसमें मैं 1 कटोरी जिससे चीनी डाली थी उसी कटोरी से मैं 4 कटोरी, 3.5 कटोरी या 4 कटोरी तक पानी डालेंगे और इसको उबलने के लिए गैस ऑन कर देंगे। अब ये चीनी का चाशनी जो है उबल गया है, इसमें बॉयल आ गया है। अब इसमें मैं जो छेना पायस का बॉल बनाई थी, अब इसमें एक एक करके डालूंगी। और एक एक करके इसलिए डालना है ताकि इसकी जो बॉयलिंग है वाटर की वो ख़त्म ना हो, तो नहीं तो फिर ये फूलेगा नहीं। तो मैं इसको धीरे धीरे डाल रही हूँ एक एक कर कर, और ये हाई फ्लेम पे है और इसको 5 मिनट तक हमें हाई फ्लेम पे ही रखना है। जब तक कि ये सारे डाल दूँगी, सारे डाल करके मैं 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे रखूँगी। अब इसको मैं ढक दे रही हूँ ताकि ये अच्छे से बॉयल हो। अब दस इसको मैं बंद कर दी हूँ। 5 मिनट इसको ऐसे ही ढक करके मैं हाई फ्लेम पे उबालूंगी और उसके बाद मैं फिर आपको दिखाऊंगी। और ये जो दूध को मैं गाढ़ा कर रही हूँ, तो ये अब गाढ़ा हो रहा है। अब इसमें मैं थोड़ा शुगर डालूंगी और इसमें मैं फ्लेवर दूंगी। तो मैं फ्लेवर दे रही हूँ कॉर्नफ्लोर का, सॉरी ये कस्टर्ड पाउडर का, वेनिला का कस्टर्ड पाउडर है। तो मैं 1 चम्मच ही डालूंगी और ये थोड़ा सा दूध में रख ली थी पहले से, इसमें घोल करके मैं इसमें डाल दूंगी। इसका फ्लेवर हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं इसको घोल करके मैं इस घोल में डाल रही हूँ। और ये जब आप बनाएं
मिल्क को तो फुल फैट क्रीम आप यूज़ कीजिए ताकि ये गाढ़ा बने, इसका रसमलाई जो है गाढ़ा रहता है तभी अच्छा लगता है। ये इस तरह से इसको कस्टर्ड को घोल करके और फिर इसमें मिला देना है और थोड़ी देर तक इसको हिलाते रहना है ताकि ये अच्छे से घुल मिल जाए और नीचे जा कर के कस्टर्ड चिपके भी नहीं। और साथ ही में अब इसमें बॉयल आ जाएगा और इसको बहुत गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि अगर ये गाढ़ा हो जाएगा तो ये रसगुल्ला का रस, रसगुल्ला जो है इसका रस नहीं पी पाएगा, तो इसलिए मैं इसको पतला ही रखूँगी, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। और साथ में इसमें मैं इलायची भी डालूँगी। अब मैं इसको छोटा छोटा काट ले रही हूँ रसमलाई में डालने के लिए। ये 5-7 मिनट हो गए हैं तो इसको मैं ढक्कन हटाई हूँ। देखिए इसका साइज बढ़ गया है। अब इसको मैं धीरे धीरे एक एक करके पलट दूँगी, सारे को एक एक करके पलट देना है और फिर 10 मिनट और पकाना है। टोटल हमें 15 से 20 मिनट तक इसको पकाना है। और इधर मेरा ये देखिए दूध भी गाढ़ा हो गया है। अब इस दूध में मैं चीनी डाल रही हूँ। ये आधी कटोरी चीनी थी, मैं इसमें डाल रही हूँ। और अपने स्वाद के अनुसार आप कितना मीठा पसंद करते हो, वैसे भी आप अपने जितना पसंद करोगे मीठा खाना उस अनुसार से इसमें चीनी डालोगे। और चीनी वैसे भी छेना पाइस में ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता है। ये इलायची को भी हमने इसमें कूट करके डाल दिया है। अब ये काफ़ी गाढ़ा होने लगा है। इसी समय में अब इसमें कुछ मेवे हैं जो हमने काट के रखे हुए हैं, तो इसको मैं मिला दे रही हूँ इसी समय। अब ये मेरा ये जो रसमलाई का है ये इतना गाढ़ा परफेक्ट है। इसको मैं अब गैस से नीचे रख देती हूँ और जब तक ये ठंडा हो रहा है। हाँ देखिए अब 10 मिनट बाद ऐसा हो गया है, इतना बड़ा हो गया है। अब 5 मिनट इसको और पकाना है तो ये टोटल 15 मिनट हो जाएंगे। ये ठंडा पानी है, इसमें थोड़ा सा आइस क्यूब भी रख ली हूँ ताकि इसको निकाल करके एक एक करके मैं निकालूंगी और इसमें डालती चली जाऊंगी ठंडे पानी में। देखिए ये डूब गया है, मतलब कि ये अच्छी तरह से पक चुका है। अगर ये पका नहीं रहता तो फ्लोट करता रहता, तो इसकी पहचान भी है। और ये इसमें जाने से ये देने का एक रीज़न ये भी है कि ठंडे पानी में ये जाएगा तो ये इसका साइज़ छोटा नहीं होगा, नहीं तो दूसरे ऐसे देने पर ये श्रिंक कर जाता है। अगर आप ठंडे पानी का शौक नहीं दोगे तो ये श्रिंक हो जाएगा। तो मैं इसको निकाल निकाल करके ठंडे पानी में रखूँगी और लगभग आधा घंटा एक घंटे तक मैं इसमें रखूँगी। और उसके बाद मैं इसमें से निकाल निकाल करके जो हमने दूध का बनाया था रसमलाई उसमें इसको निकाल निकाल के इस स्पाइस को डालते चली जाऊँगी। ये बंद करके रेडी हो गया है। अब इसको बनने में पकने में 20 मिनट मैं इसको कढ़ाई में रख करके उबाली हूँ चीनी के चाशनी में। ये आधे घंटे हो गए हैं ठंडे पानी में डाले हुए, जो बर्फ़ का पानी में मैं डाली थी, तो इसमें से ऐसे पानी निचोड़ करके और इसमें डालते जाना है। इसी तरह से सारे जितने भी बॉल्स हैं, ये रसगुल्ले हैं, वो सबको मैं इसमें डालते जाऊंगी ताकि ये फिर अब इस रस को पी लेगा। और इसमें रख करके मैं आधे घंटे के लिए, आधे घंटे नहीं मतलब 2-2.5 घंटे के बाद इसको मैं निकालूंगी खाने के लिए और इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी ठंडा होने के लिए। तो अब मैं सारे को ऐसे रख रही हूँ। देखिए इस तरह से ये बन गया। अब इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा सजा दे रही हूँ ऐसे पूरे, जो भी आप ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हो उससे आप इसको डेकोरेट कर लो और इसको फ्रिज में रख करके एक घंटा आधे घंटे के लिए और फिर ठंडा होने दो और फिर इसको सर्व करो। और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए मुझे लाइक करो और सब्सक्राइब करो।